ओए भतीजे, अभी देखना फिशिंग रॉड में कितनी बड़ी मछली फंसेगी। अरे ये क्या? नहीं, सॉरी अंकल। चाचू, भतीजे के रहते चाचू को कुछ हो सकता है क्या? चाचू, आप ठीक तो हो ना? ओए हाँ भतीजे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भतीजे, ये कैसा मेंढक है? ये तो गोल्ड जैसा लगता है। हाँ चाचू, है तो अद्भुत, कितना शानदार चमक रहा है। जरूर इसमें कोई अलग बात है। चलो इसे खोजी अंकल के पास ले चलते हैं। वही अपनी रिसर्च से इसकी चमक का राज बताएंगे। अरे चाचा भतीजा, ये मेंढक तो एकदम प्योर सोने का लग रहा है। हाँ भल्ला अंकल, ये गोल्डन फ्रॉगी है। सोने का मेंढक? वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी और ये सोने का मेंढक है, तो ये भी जरूर छोटे छोटे सोने के अंडे देता होगा। सोने के अंडे, ढेर सारे अंडे। मैं ये सोने के अंडे बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे अमीर आदमी। ओ जी क्या कर रहे हो पल्ला साहब, हमारा गोल्डन फ्रॉग हमें वापस दो। मेरा मेन हक रुक जा। अरे रुक जा। बंदूकड़ी जी बचाओ, इस मेंढक से बचाओ। ओए भैंस की पूछ चाचे, मैं तुझे बचाऊंगी तो मुझे कौन बचाएगा? मुझे छिपकली और मेंढक से बहुत डर लगता है। ओए भैंस की पूछ, इस मेंढक को हटाओ, इसने सारा मेकअप खराब कर दिया। भतीजे, पकड़ो इस मेंढक ने। रुक जा मेरे सोने के मेंढक, रुक जा। भतीजे, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम्हारी हैट पे लगा ये गोल्डन कलर फ्रॉक का गोल्डन कलर नहीं है, बल्कि ये असली गोल्ड है। 100% गोल्ड। 100% गोल्ड। ये लोग कहाँ गए? 100% गोल्ड। 100% गोल्ड। 100% गोल्ड ऊपर नहीं, नीचे है। 100% गोल्ड। अरे चाचा बंदूकनी भल्ला साहब, होश में आओ और ध्यान से मेरी बात सुनो। ये फ्रॉग गोल्ड फ्रॉग नहीं है, बल्कि ये फ्रॉग जहाँ पर रहा है वहाँ बहुत सारा गोल्ड हो सकता है, इसीलिए इसके ऊपर गोल्ड चिपक गया है। मुई भतीजे, ये मेंढक तो नकली है। अरे चाचू, मेंढक नकली नहीं है, उसका कलर नकली है। यानी कलर कलर है ही नहीं, बल्कि गोल्ड है, प्योर गोल्ड। ओए भैंस की पूछ, और भल्ला यो क्या कर रहा है? फ्रॉक का कलर साफ कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत गोल्ड तो मेरे पास आ ही जाएगा ना, और इसकी सफाई भी हो जाएगी। साफ करने का घना शौक से, तो शहर की साफ सफाई कर, और मेंढक को क्यों साफ कर रहा से? Oh!
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसे गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। अरे क्या कह रहे हो, इंसान को भी कोई गिफ्ट में देता है क्या? ए, चुप करो। अगर तुम्हारी आवाज किसी और ने सुन ली तो पता नहीं कौन कौन लोग यहाँ आ जाएंगे। इतना बड़ा समंदर है, पता नहीं किन किन के बच्चों का बर्थडे होगा। सब छोटा छोटा गिफ्ट लेके जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जे, लगता है यहाँ तो पानी के अंदर कई गुफाएं हैं और उनमें ये हड्डियां वड्डियां पड़ी हैं और कुछ नहीं है। अरे चाचू भागो वहाँ से, वो गुफा नहीं मगरमच्छ का मुंह है। जान बच गई। भाई साहब, ओ आपके मुंह से तो बड़ी गंदी बदबू। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे मत खा, मुझे मत खाओ प्लीज। और चाचू मगरमच्छ यहाँ नहीं, वहाँ है। ओए पतीजे, यहाँ तो सभी गोल्डन ही गोल्डन कलर के फ्रॉग दिख रहे हैं। इन पर भी गोल्ड चिपक गया है या इनका कलर ही ऐसा है? लेट्स चेक चाचू। चाचू ये फ्रॉग्स भी वैसे ही हैं, इन पर भी गोल्ड चिपक गया है। इसका मतलब ये है कि यहीं कहीं आसपास ही बहुत सारा गोल्ड है। इसी दिशा में बढ़ते रहो चाचू, ये देखो। तुम लोग यहाँ भी पॉल्यूशन फैलाने लगे, तुमको इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। छोड़ना मत इनको। पल्ला साहब, नीचे आओ, नीचे आओ और फौरन कूदो। ओए चाचे, डूबते को तिनके का सहारा और मुझे तो लकड़ी मिल गई। आ आ, मैं क्यों कूदूं? आ नहीं 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 नहीं, वो ऑक्टोपस है। क्या जल्दी है डंका और ढोलकी अंकल? चाचू बंदूकी जी, एक एक हाथ से बैग्स और एक एक हाथ से मुझे पकड़िए। ठीक सब कीजिए। जेल में डालो, लेकिन इन समुद्री जीवों से तो बचा लो। मिल गया सोना, मेरा सोना, सोना मेरा। और नहीं भल्ला जी, इब यो सारा सोना फंटूश नगर के विकास के काम आएगा। चाबाश भतीजे। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों वही चचा? ओए हाँ भतीजा।
पूरे 20 रुपए थे उसमें, 10-10 के दो नोट, मेरा पूरा खजाना लूट गया। क्या क्या, हाय हाय, मेरे पति ना एक नंबर के कंजूस मक्खी जूस आदमी है। 20 रुपए के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे 2-4 लाख रुपए लूट गए हों। नहीं तो कंजूस कहेंगे, किसी को बताना मत। जाओ जाओ जाओ, पैसे पैसे मेरे पैसे। हाँ, और मेरी सैलरी के पैसे कब मिलेंगे पल्ला साहब? कैसी सैलरी, कौन सी सैलरी, किसकी सैलरी? मैं किसी की सैलरी वैलरी नहीं दूंगा, मेरे सारे पैसे चले गए। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरा ब्रीफकेस बदल गया है, उसमें से ये फटा पुराना कोट निकला है। यही कोट ले जाओ, ले जाओ। ये कोट अपने आप कैसे मेरे शरीर पर आ गया पल्ला जी? मुझे तो ये कोई करामाती कोट लगता है। पर इसमें ये GMB क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब? ओहो, ओ क्या है इसकी जेब में? आज भल्ला को नहीं छोड़ेंगे, कंजूस कहीं का काम करा लेता है और पैसे नहीं देता। आज तो हमारे पैसे लेकर ही रहेंगे, भल्ला बचकर जा नहीं सकता। अरे इससे तो अपने आप पैसे आ रहे हैं, ये तो कोई करामाती कोट है। कोट की जेब से पैसे? मेरा कोट वापस दो, मुझे मेरा कोट वापस दो, वापस दो कोट। अरे ये तो करामाती कोट है, इसे छीन लो फिर हमारा सारा कर्जा वसूल हो जाएगा। पैसे पैसे पैसे, मेरे पैसे, मेरा कोट। अरे ये भल्ला तो चाचा को लेकर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो उसे, और तेज भागो, और तेज पकड़ो इसे। भतीजे बचा ले, ओ पल्ला जी ब्रेक लगाइए। थैंक यू फॉर लिफ्ट पल्ला जी। क्या हुआ चाचू? ओए भतीजे, और जब से मैंने ये करामाती कोट डाला है ना, तब से लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। इस कोट को निकालो यार। हाँ हाँ निकालो निकालो, वही तो मैं भी कह रहा था। वाले के नाम पे कुछ दे दे, दे। बस अभी तो यही है मेरे पास, फिलहाल इसी से काम चला लो। ओए भल्ला, ये सारा मेकअप खराब कर दिया। बहादुर, सॉरी बंदूकनी जी। प्रभावड़ी बूझ, ये तो बड़ा खतरनाक कोट लगे से। पर अब करे क्या भल्ला अंकल, ये कोट जिसका है अब वही इसे उतार सकता है, हमें उसी को ढूंढना होगा। ठीक है, कोट जिसका है उसे ढूंढ कर दे देना, लेकिन पैसे पैसे मुझे ही देते जाओ। ओए ना पल्ला जी, जिसका कोट है पैसे भी उसके ही हैं, अब आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। करामाती कोट, मेरा सूटकेस, मेरा कोट कहाँ गया? भाई साहब, आपने मेरा कोट किसी के पास देखा क्या? किसका कोट, कैसा कोट? काला कोट, पीला कोट, नीला कोट, लाल कोट, हरा कोट, गुलाबी कोट, बैंगनी कोट, व्हाइट कोट, कैसा कोट? ओए रंगों की दुकान, वो करामाती कोट था, उस पर मेरा नाम लिखा है, ग्रेट मैजिशियन बाबूलाल बुलबुला, यानी GMB। आई बात समझ में?
तो आप उस करामाती कोट की बात कर रहे हैं? हाँ, वो कोट चाचा ने चुराया है और वो उस गली में कोट पहनकर घूम भी रहा है। ओए जीजे, कोट के बारे में इस जादूगर को क्यों बता दिया? अब वो कोट हमें कैसे मिल पाएगा? अरे पहले एक बार वो कोट चाचा के बदन से निकले तो। अरे अंकल, यहाँ कोई कोट ढूंढते हुए आया था क्या? मुझे नहीं पता, आगे पूछो। ओए पतिजे, जिसका ये कोट है उसको हम पहचानेंगे कैसे? ओए चाचू, हमें उसे पहचानने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपके पास ये कोट देख कर आ जाएगा। जान में जान आई। ओए मैं कोई एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ और जो बार बार गैलेक्सी में भेज रहे हो। ओए मैं चाचा हूँ, मशहूर जासूस चाचा। अरे तू चोर है, तूने मेरा कोट चुराया है और मैं इसकी तुझे कड़ी सजा दूंगा। अंकल, आप बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना बच्चे। अब देखना, मैं इस चाचा को बिल्ली बनाऊंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं तुम्हें भी गैलेक्सी की सैर करवा ही देता हूँ। मुझे बचाओ, बचाओ। जादूगर अंकल, मेरे चाचू चोर नहीं है, वो तो। लेकिन आपने हमें ही चोर समझ लिया। अब मैं आपका माउथ ऑर्गन आपके मुंह में लगाता हूँ, तो पहले चाचू को ठीक करो और फिर खुद को। जादूगर जी, अब यहाँ तक ना आपके माउथ ऑर्गन की आवाज भी नहीं पहुँच सकती। अब ये कोट हमारा। अरे ये तो आउट ऑफ रेंज चला गया, अब क्या करें भतीजे? आइडिया। हेलो, डंका जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ, द ग्रेट चोर डंका जी। मैं आपकी मोबाइल कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके लिए एक म्यूजिकल ट्यून है, एकदम फ्री, ध्यान से सुनिएगा। जादूगर जी, मुझे इन सब का कर्जा चुकाना है और पैसे पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन आपके कोर्ट में तो उगते हैं, तो मुझे ढेर सारे रुपए निकाल कर दीजिए ना। उससे कोई फायदा नहीं भल्ला जी, वो जादुई पैसे हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही गायब भी हो जाते हैं। मेरे पैसे। Oh,
चाचू अंटिकल अंटी अंटिकल अंटी चक्कर मक्कर मक्कर काटी चाचू मैं हूँ भतीजा मैं हूँ चाचू पुराना नतीजा बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा।